ये आसूस का जेन फोन 2 मोबाइल है, जिसका मॉडल नंबर यदि हम बैकवर्ड उठाएंगे तो इसके पीछे मॉडल नंबर लिखा रहता है आसूस Z00AD। इसमें ख़राबी है कि हम इसको ऑन करते हैं, ऑन करने पे यह इस प्रकार से आसूस पर रुका हुआ रहता है। इसको हम हाफ ऑन की प्रॉब्लम बोलते हैं। और इस ख़राबी को ठीक करने के लिए हम इसको फ्लैश करते हैं। इसको फ्लैश करने के लिए हमारे पास इसका ये फ्लैश टूल सॉफ्टवेयर होता है, जो कि आसूस फ्लैश टूल नाम से आता है, और यह इस मोबाइल की फ्लैश फाइल है। तो सबसे पहले हमको फ्लैश टूल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होता है, जिसके लिए हम डबल क्लिक करते हैं और डबल क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल करेंगे। उसका फ्लैश टूल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, जो कि हमारे डेस्कटॉप का आइकन आएगा, प्लस का जो ड्राइवर रहता है वो भी इसमें इंस्टॉल हो जाता है। फ्लैश टूल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद अब हम इस सॉफ्टवेयर को यहाँ से डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, और सॉफ्टवेयर ओपन होने पे इस प्रकार से ओपन हो जाता है। इसमें हम यहाँ से मॉडल में आएंगे और मॉडल के अंदर जाके यहाँ से हम मॉडल सेलेक्ट करेंगे। इसकी जो हमारे पास फ्लैश फाइल है, जैसे कि इसकी फ्लैश फाइल ये है जिस पे लिखा हुआ है ZE551ML, तो सेम यही वाला मॉडल हमको यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ से हमने ZE551ML मॉडल सेलेक्ट कर लिया, और मॉडल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बायो डाटा में यस पे टिक लगाएंगे, और यहाँ पे जो ब्राउज का निशान होता है इस पर हम क्लिक करके इस मोबाइल की फ्लैश फाइल सेलेक्ट कर लेंगे, जो कि हमारे कंप्यूटर में डेस्कटॉप पर टेस्टेड फाइल 3 के फोल्डर में यह इसकी फ्लैश फाइल है। इसको सिलेक्ट करके ओपन करेंगे। फाइल सेलेक्ट करने के बाद, मॉडल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम सेटिंग्स में आएंगे, और सेटिंग्स में अंदर जाके ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद अब हम मोबाइल को कनेक्ट करते हैं। मोबाइल को जो हम कनेक्ट करते हैं, इस समय मोबाइल हमारा ऑफ होना चाहिए और बैटरी जो है मोबाइल की चार्ज होना चाहिए। मोबाइल को हम फास्ट फूड मोड में लाते हैं। इसको फास्ट फूड मोड में लाने के लिए इसके यहाँ पे वॉल्यूम अप बटन होता है या इसका वॉल्यूम डाउन बटन होता है। तो इसमें जो वॉल्यूम अप बटन होता है, इस बटन को हम दबाएंगे, और उस बटन को दबा के पावर बटन दबाएंगे। तो इस प्रकार से मोबाइल की स्क्रीन पर जो एंड्रॉइड का लोगो आ जाता है, और यहाँ पे लिखा भी रहता है फास्ट फूड मोड, इसका मतलब मोबाइल जो हमारा फास्ट फूड मोड में आ गया। इसके बाद हम USB केबल लगा के कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमने मोबाइल में USB केबल लगा के कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया, और कंप्यूटर से कनेक्ट करने पे इसका ड्राइवर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाता है। और ड्राइवर इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे डिवाइस मैनेजर के अंदर एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर आसूस एंड्रॉयड बूटलोडर इंटरफेस नाम से इंस्टॉल हो जाता है। इसका मतलब ये मोबाइल प्रॉपर कनेक्ट हो चुका है और ड्राइवर जो है वो भी इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद जो फ्लैश टूल सॉफ्टवेयर होता है, इसमें अभी यहाँ पे हमारा मोबाइल नहीं आ रहा था, जबकि अब यहाँ पे मोबाइल का डिवाइस आईडी लिखा जाता है। इसके बाद इसको हम सिलेक्ट करते हैं इस प्रकार से, और सिलेक्ट करके स्टार्ट पर क्लिक कर देते हैं। स्टार्ट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर यस नो लिखा आता है। जैसे ही हम यस पे क्लिक करेंगे, यह मोबाइल हमारा फ्लैश होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे फ्लैश इमेजेस लिखा आता है, और भी प्रोसेस स्टार्ट रहती है। इसका मतलब ये मोबाइल फ्लैश हो रहा है। इस मोबाइल को फ्लैश होने में करीब 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा इस प्रोसेस में। यहाँ पे मोबाइल में भी प्रोसेस चलती रहती है, जैसे कि यहाँ पे रिसीव डेटा, इरेजिंग डेटा, फ्लैश APD, इस प्रकार से मोबाइल में भी यदि प्रोसेस चल रही है, इसका मतलब यहाँ पे फ्लैशिंग की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट है अभी। इस प्रकार से यहाँ पे प्रोसेस चलती रहती है, कम्प्लीट हो गया। और यहाँ पर फ्लैशिंग कम्प्लीट होने के बाद फ्लैश इमेज सक्सेसफुली लिखा जाता है। और इसके बाद हम मोबाइल को कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, और डिस्कनेक्ट करने के बाद मोबाइल ऑटोमेटिक अपने आप रीस्टार्ट हो जाता है। अभी जैसे कि यह मोबाइल आसूस से आगे नहीं बढ़ रहा था, इस खराबी के लिए हमने इसको फ्लैश किया था। अब इसकी खराबी चेक करते हैं। और यहाँ पे आसूस से आगे जाने के बाद इस प्रकार से प्रोसेस आ जाती है। इसमें हम नेक्स्ट करते हैं, इसमें लैंग्वेज में इंग्लिश US पर टिक करके फिर नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे, इसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे, इसके बाद हम स्किप करेंगे इसको, फिर हम नेक्स्ट करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट करके फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, इसके बाद फिर नेक्स्ट, और नेक्स्ट, और ओके। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर
एग्जिट पे टिक कर देंगे और यस करेंगे। इस प्रकार से हमारे मोबाइल का मेन्यू आ जाता है। और यह मोबाइल ठीक हो जाता है।